स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज शिवशंकर सैनी। आज हम बात करने वाले क्लास 8 के चैप्टर सेकंड, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फोय की। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी नाइट्रोजन साइकिल की, आज हम बात करने वाले हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था, आज हम बात करने वाले हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स। पहला है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप। हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। बी है, ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम एयर टू एनहेंस फर्टिलिटी ऑफ सोइल। ये क्या करती है, ब्लू ग्रीन एल्गी नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं और उसकी जो है फर्टिलिटी, सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ाती है। एल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन। एल्कोहल को फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनाया जाता है। कोलेरा इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। कोलेरा किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण। टिक द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर हम देखिए, यीस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ। यीस्ट का प्रोडक्शन, यीस्ट को कहाँ यूज लेते हैं, किसके प्रोडक्शन में यूज में लेते हैं यीस्ट को, एल्कोहल के प्रोडक्शन में। सेकेंड, द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक। इनमें से कौन सी एंटीबायोटिक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। सी है, कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआन इज। कैरियर मतलब मलेरिया को फैलाने वाला कौन है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के कारण मलेरिया बीमारी फैलती है, यानी इसका जो मच्छर है वो कौन है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज इज। सबसे ज़्यादा जो कॉमन कैरियर है कम्युनिकेबल डिजीज का, कौन है कॉमन कैरियर, हाउस फ्लाई। यानी सबसे ज़्यादा जो बीमारी फैलती है किसकी वजह से, हाउस फ्लाई की वजह से, मक्खी की वजह से। नेक्स्ट है, द ब्रेड और इडली डफ राइजेज बिकॉज ऑफ। जो इडली है किसकी वजह से फूलती है, ठीक है, और ब्रेड है जो किसकी वजह से फूलती है, किसकी वजह से वो सॉफ्ट बनती है, ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल्स, यीस्ट सेल्स की ग्रोथ इनकी वजह से। नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ शुगर इंटू एल्कोहल इज कॉल्ड। शुगर को एल्कोहल में कन्वर्ट करना किसके प्रोसेस से होता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस से। नेक्स्ट, मैच दी कॉलम ए एंड बी ये दे रखा है आपको। बैक्टीरिया जैसे क्या करता है, कॉजिंग कोलेरा। राइजोबियम क्या करता है, फिक्सेशन करता है नाइट्रोजन का। लैक्टोबैसिलस सेटिंग ऑफ करेट, दही जमने में हेल्प करता है, ठीक है, दूध को जमने में हेल्प करता है। एंड यीस्ट बेकिंग ऑफ ब्रेड, ब्रेड बनाने में काम में लेते हैं इसको। प्रोटोजोआन मलेरिया के कारण होता है, ठीक है, यानी मलेरिया प्रोटोजोआ का कारण होता है। वायरस कॉजिंग एड्स, वायरस कारण एड्स होता है, ठीक है। ये हो गए इसके एक्सरसाइज, इनको आपको स्क्रीन शॉट लेकर के अपनी नोटबुक में नोट करने हैं। नेक्स्ट इसके क्वेश्चन आंसर्स कौन कौन से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बी सीन बाय नेकड आई, इफ नॉट हाउ कैन दे बी सीन। क्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम नेकड आई से देख सकते हैं, इफ़ नॉट यदि नहीं तो हम इसको कैसे देख सकते हैं। फिर आंसर क्या है इसका, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट बी सीन बाय नेकड आई। हम नेकड आई से किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं देख सकते हैं, बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल, क्योंकि वे बहुत छोटे होते हैं। दे कैन बी सीन बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप, इनको हम ओनली माइक्रोस्कोप यूज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है, इनको भी स्क्रीन शॉट लेकर नोट करते जाना। क्वेश्चन नंबर 5 है, वॉट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मेजर ग्रुप कौन कौन से हैं, जैसे कि इनके ग्रुप बना रखे हैं अलग अलग, जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई है, प्रोटोजोआ है, एल्गी है, वायरस, ये सब इनके ग्रुप हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है जो कि नाइट्रोजन को फिक्सेशन करता है सॉइल में। एग्जाम्पल इसका आंसर क्या होगा, राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, राइट 10 लाइन्स ऑन द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या यूज है, इन पर आपको 10 लाइन राइट करनी है। क्या है देखिए इसका आंसर, फर्स्ट आंसर है, फर्स्ट क्वेश्चन है या फर्स्ट लाइन है देखिए इसका आंसर में, दे आर हेल्पफुल इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरनमेंट। क्या करते हैं, ये एनवायरनमेंट का क्लीनिंग करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है सेकंड, दे आर यूजफुल
या हेल्पफुल इन दी फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, मिल्क से कर्ड बनाने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हेल्प्स इन दिस प्रोसेस, कि लैक्टोबैसिलस जो बेरिया सॉरी बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस वो इसमें हेल्प करते हैं। थर्ड है दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़ पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स। ये चीज़ बनाने में, पिकल्स बनाने में और मैनी अदर फूड आइटम बनाने में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट देखिए यीस्ट इज ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज यूजफुल ऑफ मेकिंग ब्रेड पेस्ट्रीज एंड केक्स। यीस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको ब्रेड बनाने में, पेस्ट्रीज बनाने में, केक बनाने में, बिस्किट वगैरह बनाने में हेल्प यूज में है, इसको यूज में लेते हैं। नेक्स्ट है दे आर यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, इनको एल्कोहल प्रोडक्शन में यूज लेते हैं। एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एंटीबायोटिक बनाने में भी काम में लेते हैं। दे आर हेल्पफुल इन प्रोड्यूसिंग वैक्सीन, इनको वैक्सीन बनाने में भी हेल्प लेते हैं इनकी, ठीक है। दे आर हेल्पफुल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, इनको नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी यूज में लेते हैं, यानी ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेड एनिमल्स हैं, डेड प्लांट्स हैं, उनको डिकम्पोज करने का भी काम करते हैं, यानी उनको डिस्ट्रॉय करने का भी काम करते हैं। नेक्स्ट लाइन है लास्ट, दे आर यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंसेज। ये हार्मफुल और स्मेली यानी बदबू आने वाली जो सब्सटेंस है उनको डिग्रेड करने का काम करते हैं। इसके शॉर्ट लेकर नोट करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हार्मफुल इफेक्ट के बारे में। क्या आंसर होगा इसका? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉजेज डिजीजेज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण प्लांट्स में और एनिमल्स में बहुत सारी डिजीज हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल कोलेरा इन ह्यूमन इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया कॉल्ड विब्रियो कोलेरा। कोलेरा एक क्या है? ह्यूमन में होने वाली डिजीज है जो बैक्टीरिया के कारण होती है, जिसका बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कोलेरा। विब्रियो कोलेरा का जो कारण गया है, विब्रियो कोलेरा एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके कारण कोलेरा डिजीज होती है। इन एनिमल्स वायरस कॉजेज फुट एंड माउथ डिजीजेज, और एनिमल्स में फुट एंड माउथ डिजीज हो जाती है, ठीक है, जिसमें फुट जो है उसका एनिमल्स का वो पक जाता है, इसको सूज जाता है, ठीक है, इसमें उसमें स्वेलन आ जाती है उसमें। सम माइक्रोब्स स्पॉइल द फूड्स बाय डिकम्पोजिंग द फूड मटेरियल्स। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो फूड को डिकम्पोज कर देते हैं और उसको स्पॉइल कर देते हैं। दे स्पॉइल लेदर एंड क्लोथ्स। वो क्या करते हैं? कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो लेदर को और क्लोथ्स को क्या करते हैं? ख़राब कर देते हैं। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फूड पॉइजनिंग। वे किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? फूड पॉइजनिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? वॉट आर एंटीबायोटिक्स, वॉट प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन वाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या हैं और इनको लेते समय क्या क्या हमको जो है प्रिकॉशंस रखने चाहिए, सावधानी क्या रखनी चाहिए हमको? केमिकल एजेंट्स दैट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। यानी ये ऐसे केमिकल एजेंट होते हैं, ऐसे केमिकल होते हैं जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक देते हैं या उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म कर देते हैं, उनको बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ ए क्वालिफाइड डॉक्टर। इसके प्रिकॉशन क्या है कि एंटीबायोटिक को हमको यूज कब करना चाहिए? जब कोई हमको कोई क्वालिफाइड डॉक्टर सजेशन दे या हमको इस तरह की एंटीबायोटिक्स खाने के लिए या उनको यूज करने के लिए बोले, तभी हमको उनको यूज में लेना चाहिए, ठीक है, इसका प्रिकॉशन होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो की, नेक्स्ट चैप्टर।